तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल असिस्टेंट में जो ये एरर आ रहा है इसके बारे में। जब भी आप इस ऐप को ओपन करते हो तो एरर आएगा कि आप इस ऐप को अपडेट कर लीजिए जियो स्टोर से नए वर्जन पर। और गूगल असिस्टेंट ही नहीं, बाकी जैसे इंग्लिश वर्ब जैसे ऐप है उनमें भी ये एरर आपको देखने को मिलेगा। इसका सोल्यूशन क्या है वो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। साथ ही में काफ़ी सारी अपडेट भी आई है, उनके बारे में भी बताऊंगा। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल कलर का आपको सब्सक्राइब का बटन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सोनी लिव ऐप में अपडेट आ चुकी है, G5 ऐप में भी अपडेट आ चुकी है, मनी कंट्रोल और क्रिकेट नेक्स्ट में भी अपडेट आ चुकी है। इसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ और कौन से ऐप्स में ये एरर आपको देखने को मिलेगा। इंग्लिश वर्ब्स ऐप को आप ओपन करेंगे तो यही सेम एरर आपको मिलेगा। स्पेनिश वर्ब जो ऐप है उसमें भी आपको सेम एरर देखने को मिलेगा। जियो वेदर ऐप जो है वो भी नहीं खुल रहा है और विकीपीडिया ऐप भी नहीं खुल रहा है। लेकिन जिन ऐप्स में हाल ही में अपडेट आ चुकी है उनको आप आसानी से ओपन कर सकते हो। तो ये एरर जो है लगभग उन्हीं ऐप्स में आ रहा है जिनमें काफ़ी टाइम से कोई अपडेट नहीं आई है और वो पुराने वर्जन पर रन कर रही हैं। तो जैसे आपको डेली 5-6 ऐप्स में अपडेट देखने को मिल रहा है, उसी तरीके से उन ऐप्स में भी अपडेट आएगा और उसके बाद में अच्छी तरीके से वो वर्क करने लग जाएगी। काफ़ी लोग बोल रहे हैं रीसेट करने के लिए, तो रीसेट आप मत कीजिएगा। रीसेट करने के बाद में अपडेट करेंगे तो वर्जन वही पुराना वाला रहेगा, लेकिन जो अपडेट कंपनी रोल आउट करती है उसमें आपको नया वर्जन मिलता है। तो आपको अपडेट के लिए वेट कर लेना है, रीसेट वगैरह कुछ भी नहीं करना है। इसके अलावा एक अपडेट है जो आपने कमेंट और मैसेज करके मुझे बताया है कि यूट्यूब ऐप में जब आप किसी वीडियो को लाइक करते हो तो पहले जो लाइक का बटन है वो ब्लू कलर का हो जाता था, लेकिन अभी वो ब्लैक कलर का हो जाएगा। वीडियो के नीचे भी आपको लाइक का बटन दिख जाएगा, उसको भी आप दबा करके देख सकते हो। उसमें लाइक जो है वो नीले कलर का नहीं काले कलर का आपको दिखाई देगा। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी इसलिए मैंने वीडियो में आपको कवर करके बता दिया है। इसके अलावा आपको पता है सोनी लिव ऐप में जो लगभग प्रोग्राम है उनके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है और काफ़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा में सीज़न 31 से पहले के जो जितने भी एपिसोड है वो बिल्कुल फ्री हैं, बाकी के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा कमेंट आते रहते हैं और इसका मैं सोल्यूशन आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको जियो टीवी में जाना है, आपका फेवरेट शो जिस भी चैनल पर आता है उसको आप फ्री में वहाँ पर देख सकते हो, या फिर आप G5 में ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा। यहाँ पर जितने भी प्रोग्राम हैं वो बिल्कुल फ्री हैं, आपको डेली जितने भी एपिसोड है वो फ्री में देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ टीवी शोज दिखा रहा हूँ जिनको आप बिल्कुल फ्री में देख सकते हो। इन पर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर ये जो नया वाला एपिसोड है आज का वो चलने लग जाएगा, और पीछे के जितने पुराने एपिसोड है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। बस आपको यहाँ पर एक छोटी सी ऐड देखने को मिलेगी और उसको जैसे आप कंप्लीट कर देते हो तो आपका शो इस तरीके से चलने लग जाएगा। तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार और सोनी टीवी में आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, लेकिन G5 ऐप है या फिर जियो टीवी ऐप है, जियो सिनेमा, इनमें आपको बिल्कुल फ्री में सब कुछ देखने को मिलता है। किसी भी टीवी शो या फिर मूवी को डाउनलोड करने की ट्रिक मैं नहीं बता सकता क्योंकि पहले ही चैनल पर स्ट्राइक आ चुकी है इस वजह से। तो मैंने आपको काफ़ी सिंपल सा सोल्यूशन आपको बता दिया है, और जो एरर आ रहा है अपडेट का उसमें आपको जल्दी ये ऐप में अपडेट देखने को मिलेगा और उसके बाद में जो अपडेट का एरर है वो सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोग रीसेट वगैरह मत कीजिएगा। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।